Hey, what's up guys, it's your boy Spider Tattoos. I'm tattoo artist, piercing artist and eyebrow tattoo artist in Navi Mumbai. So, आज का वीडियो किस टॉपिक के होने वाला है वो तो आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन मैं और आपको एक बात बताना चाहूंगा। जो पिछले वाला ब्लॉग आया था हम लोग का, ये वाला ब्लॉग है, इसका लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो, उसमें फॉरेनर आदमी का आया था जिसका नाम देदोस था, वो बहुत अच्छे थे एंड उनका टाटूस भी बहुत अच्छा हुआ था। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने सिर्फ 4 टाटूस दिखाए थे, क्योंकि जब हम लोग एडिट कर रहे थे वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा था वीडियो, इसके लिए आज हम लोग ने उनका दूसरा वीडियो लाया। तो उस वीडियो में हम लोग बाकी के 5 टाटूस दिखाने वाले। तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि देदोस ने टाटू के साथ और क्या क्या किया, क्योंकि वो शॉपिंग के लिए भी गए थे और उन्होंने यूनिक यूनिक क्लोथ्स ले लिए थे। तो अभी थोड़ा बहुत क्लिप आपको दिख जाएगा, देदोस कैसे थे हम लोग के साथ, उनका बॉन्ड कैसा था वो भी आपको दिख जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं देदोस के टैटूज एंड हफ्ते के जितने भी हम लोग के टैटूज हुए थे ना वो देखते हैं। तो चलते हैं। तो हम लोग ने स्टेंसिल बनाया है एंड देन थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन ये पूरा कवर होने के बाद ये स्क्रैच नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग एडजस्ट करके इसे फिल कर देंगे अच्छे से। इसलिए यहाँ पे हम लोग ने मार्क किया है एंड यहाँ पे मार्क किया है, तो हम लोग को 2 टैटूज बनाना है। सो जहाँ पे छोटा मार्क था वहाँ पे ओम एंड ये वाला टैटू हम लोग को बनाना है। तो इसका अभी हम लोग स्टेंसिल कर देते हैं। सो हम लोग का स्टेंसिल हो गया है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो ओम का एंड जो हर्ट एंड पीपी का। सो फर्स्ट स्टेंसिल हम लोग का हो गया है यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो स्टेंसिल बहुत ही क्लियर आया है। सो ओम का स्टेंसिल भी बहुत अच्छे से आया है, तो ओम वाला टाटू एंड ये वाला टाटू, ओके, ये दोनों टाटू आज हम लोग को बनाने हैं। सो हम लोग का अभी जस्ट टाटू कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, तो आप लोग टाटू देख सकते हो। अभी जस्ट हम लोग का ओम टैटू हो गया है, तो इसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं।
टैटू कैसा लगा आपको? अच्छा। पक्का? हाँ। So, अभी समय आया है जो देदो से पुर्तगाल से आए थे उनके जितने भी टैटूज है वो हमें दिखाने हैं, तो तुरंत हम लोग आपको वो टैटू दिखाते हैं क्योंकि वीडियो में भी बहुत लंबा हो गया। सो चलते हैं एंड देखते हैं देदो ने कौन कौन से 9 टैटूज निकाले हैं और वो टैटू कैसे लगे वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो शुरू करते हैं। सो अभी रात के 9:30 बजे है एंड हम लोग का टाटू पूरा कंप्लीट हो गया है एंड देदोस है ना उनका भी मैं रिएक्शन लूँगा कि उनको टाटूज कैसे लगे जितने भी हम लोग ने बनाए थे वो। लोग देख सकते हैं उनका सेटअप। ओके, ओनली ग्रीन कलर में वो लोग टैटू कर रहे थे। सो बेसिकली हम लोग का टैटू हुआ है तो आप लोग देख सकते हो। तो बेसिकली देदस को बहुत ब्लीडिंग होती है तो उसके वजह से ये जो ग्रीन है ना वो रेड रेड लग रहा है, लेकिन जब टैटू कंप्लीट होगा ना तो ये ग्रीन ऐसा दिख जाएगा। सो हाउज द प्लेसमेंट ऑफ दैट टैटू? इनक्रेडिबल, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। ओके, तो ये 4 दिन पहले हम लोग ने टाटू निकाला था ना, तो आप लोग देख सकते हो जब फर्स्ट डे हम लोग टाटू निकालते हैं ना तो इसका रिजल्ट बहुत रेडिश रेडिश होता है, लेकिन आप डिटेल्स देख सकते हो लाइंस वगैरह एकदम बेटर आई है। और 4 डेज के बाद जब रेडनेस पूरा जाता है ना तो ये टाटू देख सकते हो पहला वाला, एंड ये सेकेंड वाला टाटू है तो इसका भी पहले बहुत रेड था एंड देन इसके बाद आप लोग देख सकते हो पूरा रेडनेस चला गया है। एंड ये थर्ड वन, ओके, जो इस वीडियो में हम लोग दिखाने वाले थे। हेलो, सो डेडोस, यू आर हंग्री ना? यस, आई एम वेरी हंग्री, बट इट वाज वर्थ इट टू वेट। सो बेसिकली इन्हें बहुत भूख लगी है तो इसलिए जस्ट वो बोलते थे कि तुरंत तुरंत ना आप टैटू करो, लेकिन मैं ऐसा हूँ कि मैं मुझे जब तक कंप्लीट टैटू नहीं होता मैं उठने नहीं देता, तो सो उन्हें नहीं समझ रहा, थोड़ा थोड़ा समझता है। यू आर नो हिंदी? Little, little, na? No. No? Oh, okay. So, मेरे को लगा उनको समझेगा। शुक्रिया। Oh. शुक्रिया। So, basically, अभी देखते हैं कि इनका तो 4 टाटू है, मुझे नहीं पता था कितना और टाटू बनाने वाले हैं। अगर उनको अच्छा लगा तो एक बार का अच्छा लगा था, सेकेंड थर्ड उसके बाद ये फोर्थ वाला बनाया, तो पता नहीं और कितने टाटूज बनाएंगे। अगर और टाटूज बनाएंगे तो मैं वीडियो ऐड कर दूंगा एंड देन उसके बाद जो भी है आप देख पाओगे इस चैनल पे। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना क्योंकि इसको बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो हाउ इज द टाटू एक्सपीरियंस इन आवर स्टूडियो? डूड, आई केम फॉर 1 एंड आई ऑलरेडी हैव 4, आई थिंक दैट स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। ओके, थैंक यू सो मच। Written first one, second, third and fourth. हम लोग ने ये वाला भी piercing किया है, जो colorful studs हम लोग के पास थे ये guns के, तो ये वाला जो है इसका हम लोग ने यहाँ पे piercing किया है। तो देख सकते हो डेडोस ने 2 piercings किए हैं यहाँ पे एंड देख सकते हो इनके ears पे कितना piercings है। सो आप बता सकते हो ये वाला जो हम लोग ने किया वो कैसा है? सो बेसिकली ये 4th टैटू है और 5th टैटू ये वाला है, इसका स्टेंसिल भी हो गया है एंड मार्क भी हम लोग ने किया है, तो यहाँ पे ये वाला टैटू आ जाएगा। एंड ये वाला हम लोग का 6th टैटू है, ये भी स्टेंसिल हो गया है तो ये यहाँ पे आएगा, जो दोनों ये दोनों टैटूज है ना इसके बीच में आ जाएगा यहाँ। तो ये सिर्फ हम लोग को लाइन्स में करना था तो जितना हुआ उतना हम लोग ने टैटू किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा 6 वाला टैटू भी डन हो गया है। सो बेसिकली दिस इज द देदोस 7 टैटूज एंड वी विल डू 3 टैटूज मोर,
So we will show you the stencil of that tattoo. So ये आप लोग देख सकते हैं, ये 3 टैटूज हम लोग को बनाना है दे उसके ऊपर. सो बेसिकली अभी जस्ट हम लोग ने जो भी टैटू का एरिया है उसे क्लीन किया अल्कोहल से, एंड देन उसके बाद हम लोग अभी तुरंत स्टेंसिल चिपका देंगे. सो ये फर्स्ट स्टेंसिल हम लोग का हो गया है. तो आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा स्टेंसिल यहाँ पे आया है, एंड ये दोनों एरिया में अच्छे से फिट हुआ है. ये हमारा देदोस के ऊपर 7th वाला टैटू है. 8th वाला टैटू यहाँ पे आएगा, एंड 9th वाला टैटू यहाँ पे आएगा. 7th वाला हॉर्स है, ये शार्क है, ये वाला अच्छे से फिट हुआ है. यहाँ पे भी जितने टैटूज़ हैं ना उसके बीच में अच्छे से ये सेट हो गया है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये ऊपर वाला टैटू. सो ऐसे ओके, तो यहाँ ऊपर भी टैटू है, नीचे भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अच्छे से फिट हुआ है. अभी जस्ट हम लोग देदोस के लिए ना ड्रेस लेने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्हें स्कर्ट चाहिए था थोड़ा. तो बेसिकली ये लोग पहनते हैं जो भी उनको अच्छा लगता है, तो बेसिकली हम लोग देखने के लिए आए थे, तो उसे ये वाला पसंद आया है. ओके, तो सो बेसिकली देदोस इंग्लिश में ही बात करते, तो जो भी सेलर रहेगा ना उन्हें उनकी भाषा नहीं समझेगी, इसलिए मैं उनके साथ हूँ. तो वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, मैं ट्रांसलेट करके उन्हें हिंदी में बता रहा हूँ, एंड एक थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है. लेकिन देख सकते हो देदोस शॉपिंग कर रहे हैं, उन्हें शॉपिंग का बहुत शौक है, टैटूज बहुत ज़्यादा बनाते हैं वो. मैं भी थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन मस्त. सो देदोस का 8th वाला टैटू भी डन हो गया है. ओके, तो आप लोग देख सकते हो ऑल टैटूज ग्रीन इंक में है, क्योंकि देदोस को ग्रीन कलर बहुत पसंद है. सो आप लोग देख सकते हो ओके, ग्रीन कलर से इसको अच्छे से कंप्लीट कर दिया है. ओके, तो ये फर्स्ट टैटू था हम लोग का, वो हील हो चुका है. तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो ओके, इसका हीलिंग रिजल्ट बहुत अच्छा आया है. सो बेसिकली हम लोग का 9th वाला टैटू भी हो गया है, तो आप लोग टैटू देख सकते हो. सो यहाँ पे भी बहुत सारे टाटू थे, यहाँ पे एक टाटू था, यहाँ पे टाटू है, यहाँ पे टाटू था, ऊपर भी टाटू है. तो इसके लिए हम लोग ने जस्ट इसको कवर करने के लिए वाला भी, ये वाला जस्ट अब रिसेंट फर्स्ट आज ये वाला हम लोग ने टाटू निकाला. ओके, सेकेंड ये वाला, एंड थर्ड ये वाला. ओके, इसके पहले हम लोग ने 6 टैटूज और निकाले थे. सो दिस इज़ द 9th वन टैटूज, और इसका आउटलाइनिंग एंड ऑल देख सकते हो, टैटू बहुत अच्छा हुआ है. सो ये हम लोग ने फर्स्ट टैटू निकाला था, तो अभी आप लोग देख सकते हो 7 डेज के बाद इसका जब स्किन जाता है ना, तो एक्चुअल टैटू देखो इसके नीचे है. उसके बाद यू आर गोइंग टू नियर शिमला. Yeah. Yeah. Bye bye. Take care. See you soon, bro. So हम लोग का स्टेंसिल हो गया है, तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें आड़ा टेढ़ा स्टेंसिल है, लेकिन फ्री हैंड हम लोग करेंगे, एंड देन उसका फाइनल रिजल्ट आप भी स्टार्ट होगा देख सकते हो बाद.
सो अभी जो हम लोग ने बेली पियर्सिंग किया है यहाँ पे, एंड ये नोज पियर्सिंग हुआ है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो। उसके साथ अगर कोई नवी मुंबई या मुंबई से बिलोंग करते हैं, उनको टैटूज एंड पियर्सिंग रिजनेबल रेट्स में अच्छे क्वालिटी में करना है, तो आप हमारा नंबर सजेस्ट कर सकते हो। ऑल डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सोशल मीडिया सारे लिंक्स है, वहाँ पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और उसके साथ जितने भी हम लोग के नए नए व्लॉग्स आएंगे ना, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। हम लोग की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे जाके आप देखो, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे आएगी, वहाँ पे जाके देखो जितने भी वर्क है ना, देखो अच्छे लगे देन उसके बाद आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अच्छे अच्छे टैटूज रिजनेबल रेट में बना सकते। और एक बात के, हम लोग का स्टूडियो का जो है वो धीरे धीरे रिनोवेशन भी चालू है, बहुत सारा काम हमें खुद करना है, क्योंकि अगर कोई भी दूसरा करेगा तो उनको नहीं पता होता कि बेसिकली हम लोग के माइंड में क्या है और हमें क्या चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए उसका। तो बेसिकली जितना हम लोग कर रहे हैं ना, तो उतना हम लोग को रिजल्ट भी वैसा ही ठीक मिलता है। तो इसके लिए जितना भी काम हुआ ना, हम खुद कर रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है एंड व्लॉग थोड़े लेट आ रहे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा हफ्ते हफ्ते में मुझे इस चैनल पर व्लॉग देना ही है आपके लिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो देखते रहिए ये व्लॉग एंड एंजॉय करो अगर टैटूज एंड आर्ट आपको अच्छा लगता है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अभी के लिए टाटा बाय, टेक केयर और पीस गाइस।